अपनी मांगों को लेकर अर्धसैनिक बल में नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन बस में बिठाकर आगरा की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। छात्र नागपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल में 2018 में हुई भर्तियों में से 4000 युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे, जिनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आए ये छात्र नागपुर से पैदल चलकर दिल्ली जा रहे थे। नागपुर में 77 दिन अनशन पर बैठने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के उपरांत आंदोलनकारी छात्रों का श्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर अपनी मांगों को लेकर बैठने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद से लगातार LIU विभाग की टीम भी छात्रों को अपने रडार पर लिए हुई थी। गुरुवार को छात्र आगरा पहुंचे थे, जहां प्रशासन द्वारा इन छात्रों का मेडिकल भी कराया गया था। इसके बाद छात्र गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थित गुरुद्वारे में रुके थे। सुबह तड़के पुलिस ने जबरन छात्रों को बस में बिठा लिया और आगरा की सीमा पार छोड़ दिया। पुलिस की इस जबरिय कार्यप्रणाली का वीडियो कई छात्रों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। कई छात्रों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे इस कार्रवाई को ट्वीट कर मीडिया समूह से मदद भी मांगी गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा इन छात्रों को बसों में बिठाकर संभव है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा छात्रों को बसों में बिठाकर आगरा जिले की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया है। डीजी मार्जन न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।